मैं समझता हूं कि कल का जो ये पिंडाल है ये तो सिर्फ पिंडी ही भर देगा। ये जगह मुझे तंग पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ी तब्दीली हुई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में, आपको लगता है कि वो एल्फी अब पिघल जाएगी? तुमने जो दीदो शरफा की पगड़ियां उछाली ये काबिले कबूल नहीं है। महमूद कुरैशी साहब, आपने गालिबन एक पिंडी में आज भी रैली निकाली है, तो क्या सिचुएशन है? एक तो पिंडी तो चले एक शहर है, लेकिन पूरे पाकिस्तान से काफिलों को पहुंचना है रावलपिंडी में, तो क्या हम ये कहें कि ये पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करके इमरान खान एक बड़ा जलसा कर रहे हैं? और क्या ये इतना बड़ा होगा कि जहां जहां आप पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम कल चला जाए, जाने वालों को भी, आने वालों को भी, और जहां जहां और जाना है? मैं समझता हूं कि जो मैंने आज शाम देखा है रावलपिंडी में, और अभी भी मैं अभी मरी रोड में हूं और जा रहा हूं एक और मोबिलाइजेशन कैंप की तरफ, मैं समझता हूं कि कल का जो ये पिंडाल है ये तो सिर्फ पिंडी ही भर देगा। मैं अब हैरान हूं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको हम कहां समाएंगे। ये जगह मुझे तंग पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये कितनी लंबी जलसगाह बनाई गई है और ये किलोमीटर्स में है ये भी मुझे तंग दिखाई दे रही है। सिर्फ रावलपिंडी जो मेन वेन्यू है मुझे लगता है वो तो शहर से भर जाएगा। तो इंशाल्लाह पैगाम जो आप कह रहे हैं ये पैगाम लेके जाएंगे। देखिए ये जो एक कल का इज्तमा होगा ये एक नुमाइंदा है इज्तमा, इसमें पंजाब के लोग हैं, इसमें सिंध से लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, गिलगित से आ रहे हैं, आजाद कश्मीर से आ रहे हैं। तो ये जो पैगाम है इमरान खान का हकीकी आजादी का, इस इम्पोर्टेड हुकूमत का जो अवाम का एतमाद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जो मईशत को संभालने में नाकाम हो चुकी है, जो मुल्क को सियासी इस्तेकाम देने में नाकाम हो चुकी है, उसको वाज़े पैगाम पूरे मुल्क में फैल जाएगा कि लोग इनसे नजात चाहते हैं। अब नजात का तरीका कार क्या है? वाहिद तरीका जो हम प्रपोज कर रहे हैं वो इंतखाबात है। शाह साहब, इंतखाबात के लिए इस हुकूमत को जाना होगा, इस हुकूमत को बनाने के लिए रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बाकायदा एक गम लगा के या एक एल्फी लगा के इकट्ठा किया गया था। एक बड़ी तब्दीली हुई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में, आपको लगता है कि वो एल्फी अब पिघल जाएगी? देखिए मैं समझता हूं कि जो तब्दीली जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो पाकिस्तान के जमीनी हकायक से लाताल्लुक नहीं रह सकते। अगर उनको रियासत के मफादात अजीज हैं और यकीनन होने चाहिए तो वो लाताल्लुक नहीं रह सकते। और फिर ये जो हो रहा है ये रावलपिंडी में हो रहा है, ये कहीं दूर अफ्तादा इंटीरियर सिंध में ये महफिल नहीं लग रही जो उनकी ही नजरों से ओझल हो, ये तो उनके नाक तले हो रहा है और वो देख रहे हैं कि लोगों के जज्बात क्या है, लोगों के तासुरात क्या है, लोग क्या पैगाम दे रहे हैं मौजूदा हुक्मरानों को। वो कह रहे हैं तुम्हारी फस्तायत से, तुम्हारे जबर से, तुम्हारे जुल्म से, तुम्हारे तशद्दुद से, तुम्हारे जो तुम्हारी मंसूबा बंदियों से, तुमने जो जो किया अशर शरीफ साहब के साथ, जो तुमने आजम स्वाति के साथ किया, तुमने जो दीगर शरफा की पगड़ियां उछाली, ये काबिले कबूल नहीं है। ये बड़ा वाज़े पैगाम है जो पाकिस्तान की आवाम दे रही है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई दे रहे हैं, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से हक की, इस पूरी चीज से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।